भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद दमोह जिला निर्वाचन भले ही ग्रामीण अंचलों में रहने वाले मजदूर मतदाताओं को मतदान के दिन तक रोके रखने की कोई भी पहल करे, लेकिन मजदूर मतदाता अपने वोट का महत्व न समझते हुए पलायन कर रहे हैं। हर दिन ही दमोह स्टेशन से सैकड़ों लोग दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ सहित अन्य शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जहाँ भारत निर्वाचन आयोग मतदाताओं को जागरूक करते हुए उनको वोट देने की अपील कर रहा है। वहीं इस प्रकार से मजदूरों का पलायन वोट के 100% होने की संभावनाओं को समाप्त करने का काम कर रहा है। जब हमने इन मजदूरों से बात की तो उनका कहना था कि उनका जीवन यापन मजदूरी करके ही होता है, लेकिन उनको शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलने के कारण तथा जिला एवं गांव मुख्यालय पर भी मजदूरी उचित नहीं मिलने के कारण बाहर के शहरों में जाकर मजदूरी करना मजबूरी हो रहा है। जब हमने शासकीय योजनाओं के विषय में इस मजदूरों से पूछा तो उनका कहना था कि यदि शासकीय योजनाओं का लाभ भी उनको मिल जाता तो वे पलायन क्यों करते। ऐसे हालात में जब सरकार हर वर्ग, समुदाय एवं गरीब तबके तक शासकीय योजनाओं को पहुंचाने का दावा करती है, साथ ही चुनाव के समय दम भी भरती है, ऐसे में इन मजदूरों द्वारा पलायन करना सरकारों की कार्यशैली पर सवाली निशान जरूर लगाती है। कई मजदूर तो पूरे जोश के साथ ये भी कहते हैं कि वे मजदूरी से ही अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। योजनाओं का लाभ लेने के लिए जाने पर भटकने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। वहीं उप जिला निर्वाचन अधिकारी का इस मामले पर कहना है कि उन्होंने स्वीप के अंतर्गत इन लोगों को रोकने के लिए अभियान चलाया है, साथ ही अपील भी करते हैं वोटिंग के इन दिनों में यदि मजदूर रुक कर अपने मताधिकार का प्रयोग करें तो अच्छी सरकार का निर्माण किया जा सकता है। जा रहा कछु काम ही नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पे नपर कमावे खावे जा रहा है, अब पानी भी नहीं है हमारे गांव में, पानी नहीं है, वो दूसरे गांव में जाने है पानी भर वे खा, और तो चार चूतिया सुना जब धोखे पे पानी मिला पीवे और क्या। ए विधानसभा हम नहीं जानते है कुछ भी, तो जा कहाँ रहे, दिल्ली जा रहे, वोट नहीं डालने का, वोट डालने ही नहीं है, जब हमारा आवेदन हमने चार चार आवेदन लगा चुके हम तो हमारा परमिट नहीं बनो है तो हम काय के लिए करेंगे, पानी नहीं मिल रहा कम से कम 15 दिन से पीने के लिए, दूसरे के बोर्ड के जाते हैं पर पानी भर के ले आते हैं जब पीते हैं, नल का आवेदन लगाओ भाई नल सुधरा जान दो, नहीं सुधर रहा है कोई नहीं, सरपंच सुन रहा है न सेक्रेटरी सुनता है, कोई नहीं सुनता है। पलायन अगर बहुत बड़ी उसमें नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी आपके माध्यम से मतदाताओं से ये अपील है कि अब बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, 28 तारीख को मतदान है, अगर उनको कहीं आवश्यक रूप से जाना भी है या कुछ और काम से भी जाना है तो 2-3 दिन रुक के जाएं, मतदान अवश्य करें। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में सबसे बड़ी यज्ञ में जो आहूति होती है वो मतदान की होती है, और मतदाता की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो उपयुक्त प्रतिनिधि चुने, अच्छी सरकार बनाए, और सरकार बनने के बाद उनसे जो भी उनकी मांगे हैं, जो न्यायोचित मांग है वो पूरी सरकार करती भी है।